गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। बैलेंस शीट की जैसे दो साइड्स होती हैं, उसी को जब हम लिखते हैं तो उसे अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। बैलेंस शीट की एक साइड पे हम लिखते हैं एसेट्स और दूसरी साइड पे हम लिखते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज को ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। इसी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर पूरा जो बिजनेस है आपका वो बेस्ड होता है। जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को इफेक्ट करती हैं। हर एक अकाउंटिंग इक्वेशन का इफेक्ट जो है वो डुअल होता है। डुअल इन द सेंस कि वो डेबिट एज वेल एज क्रेडिट दोनों जो आइटम्स हैं उसको इफेक्ट करता है। तो ये जो रिलेशनशिप है डिफरेंट आइटम्स के बीच में बैलेंस शीट को, उसी को हम बैलेंस शीट इक्वेशन कहते हैं। इफेक्ट क्या होता है ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशंस पे, ये हम इस इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है वो चेंज करती है या तो एसेट में या लायबिलिटी में या कैपिटल ऑफ अ बिजनेस में, एटलीस्ट टू को तो वो इफेक्ट करेगी ही करेगी। और इस चेंज के बाद जो टोटल है एसेट का वो हमेशा इक्वल होगा टोटल ऑफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड के। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा इक्वल रहती है। इक्वल का मतलब है कि एसेट साइड हमेशा इक्वल होगी कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड्स के, चाहे कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आप लिख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने गलत इफेक्ट दिया है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन की वजह से इंक्रीज हो रहा है अमाउंट ऑफ एसेट्स में तो कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज होगा अमाउंट ऑफ लायबिलिटी या कैपिटल में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को हम फॉलोइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस के थ्रू समझते हैं। सबसे पहली हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहाँ पे इस फॉर्मेट में हम सीरियल नंबर का कॉलम बना रहे हैं, पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे जो हुई है, और यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इस फॉर्मेट में हम करने क्या वाले हैं, हम जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है उसका इफेक्ट देखेंगे कि एसेट साइड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड पर कैसे शो होता है। तो सबसे पहली इक्वेशन है हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने बिजनेस शुरू किया कैश से, तो कैश क्या है आपकी एसेट है, तो एसेट के अंदर जो है हम लिख देंगे कैश। और कैश जो आप लेके आए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो आपकी क्या हुई कैपिटल हुई, तो कैपिटल साइड में हम कैपिटल लिख के उसको ऐड कर देंगे। तो कैश के नीचे हम उसका अमाउंट लिख देंगे और सेम तरीके से कैपिटल के नीचे हम उसका अमाउंट लिख देंगे। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दोनों साइड्स पे हो गया। और अब ये इफेक्ट देने के बाद जो हमारी न्यू इक्वेशन आई दैट विल बी आवर न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देने के बाद उसको आप टोटल करते हैं कि क्या चीज़ कितना शो कर रही है, उसी को न्यू इक्वेशन हम कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन है दैट इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो आपके आपसे कैश जा रहा है तो कैश में से अमाउंट माइनस हो जाएगा और बैंक में वो डिपॉजिट हो रहा है। तो बैंक में अगर कैश आपका पड़ा है तो वो आपकी एसेट है, तो एसेट साइड पे बैंक में हम उसे ऐड कर देंगे और कैश में से माइनस कर देंगे। देन अगेन न्यू इक्वेशन हमारी बन गई जहाँ पे कैश अमाउंट होगा, बैंक का अमाउंट होगा और आपकी कैपिटल का अमाउंट होगा। देन नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन है ट्रांजैक्शन है दैट इज कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से ऑफिस यूज के लिए तो कैश आया है आपके ऑफिस में तो ऐड हो जाएगा और बैंक से अमाउंट
माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। देन अगेन न्यू इक्वेशन बन जाएगी हमारी, क्योंकि कैश का अमाउंट भी चेंज होगा, बैंक का अमाउंट भी चेंज होगा, तो ये अमाउंट चेंज होने के बाद जो हमारी न्यू इक्वेशन है वो क्रिएट हो जाएगी। देन कैश अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से फॉर पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपकी ड्राइंग्स हो गई, और ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं, तो ड्राइंग्स माइनस हो जाएंगी कैपिटल से और कैश भी माइनस हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन है दैट इज गुड्स परचेज फॉर कैश, अपने गुड्स परचेज की कैश से, तो कैश जा रहा है तो कैश में से माइनस हो जाएगा, गुड्स परचेज की तो आपका स्टॉक इंक्रीज हुआ, तो स्टॉक के नीचे हम वो अमाउंट लिख देंगे। देन अगर आपने गुड्स परचेज की है क्रेडिट पर परचेज की है, तो स्टॉक में तो गुड्स अमाउंट शो हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और क्रेडिट पर परचेज की है तो आपके क्रेडिटर्स बन गए, तो लायबिलिटी है क्रेडिटर्स आपके, तो लायबिलिटी साइड के नीचे हम क्रेडिटर्स शो कर देंगे। देन नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड फॉर कैश, आपने कैश पे गुड्स को सोल्ड किया, तो कैश अमाउंट आपके पास आया तो कैश में ऐड हो जाएंगे, और गुड्स आपके पास गई तो गुड्स माइनस हो जाएंगी स्टॉक में से। देन अगर आपने गुड्स सोल्ड की क्रेडिट पर, तो आपका स्टॉक में से गुड्स माइनस हो गई, क्रेडिट पर सोल्ड की है तो आपके डेप्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे। देन अब ये जो गुड्स सोल्ड आप कर रहे हैं वो एट प्रॉफिट भी हो सकता है और एट लॉस भी हो सकता है, तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैश में वो प्रॉफिट इंक्लूड होगा, तो कैश में वो इंक्लूड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और वो प्रॉफिट का जो अमाउंट है कैपिटल में हम ऐड कर देंगे। लॉस हुआ है तो कैश में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से भी लॉस माइनस हो जाएगा। कैपिटल जो है, कैपिटल में से हम जो भी आपका प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस इनकम्स जो हैं उसका इफेक्ट हम यहाँ कैपिटल में से देते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन हमारी ट्रांजेक्शन है दैट इज फिक्स्ड एसेट्स परचेज फॉर कैश, कैश देकर आपने एसेट्स को परचेज किया है तो कैश में से माइनस हो जाएगा, और एसेट्स की कैटेगरी में अदर एसेट्स में हम उसे फिक्स्ड एसेट्स में ऐड कर देंगे। देन ऑन क्रेडिट अगर आपने परचेज की है तो आपके क्रेडिटर्स हो जाएंगे, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स शो हो जाएंगे, और अदर एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स में अमाउंट ऐड हो जाएगा। देन फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड फॉर कैश, तो कैश आएगा आपके पास तो कैश में हमने उसे ऐड कर दिया है, फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड की हैं आपने तो आपके पास से गया है, तो फिक्स्ड एसेट्स में से अमाउंट माइनस हो जाएगा। देन क्रेडिट पे अगर आपने सोल्ड किया है तो डेप्टर्स आपके बन जाएंगे, तो डेप्टर्स में अमाउंट ऐड हो जाएगा और फिक्स्ड एसेट्स माइनस हो जाएंगे। अगर फिक्स्ड एसेट्स आपने सोल्ड की है एट अ प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा और कैश में ऐड हो जाएगा, एट लॉस है तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से भी लॉस माइनस। देन नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है दैट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स विद डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया है आपने डेप्टर्स को तो आपका एक्सपेंस हुआ एक तरीके से, तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा डिस्काउंट, और डेप्टर्स में से डेप्टर्स कम हो गए ना, कैश रिसीव उनसे हो गया तो डेप्टर्स माइनस हो जाएंगे, कैश रिसीव हुआ है तो कैश ऐड हो जाएगा। देन विदाउट डिस्काउंट हुआ है तो कैश ऐड हो जाएगा और डेप्टर्स में माइनस हो जाएगा। देन कैश पेड टू क्रेडिटर्स विद डिस्काउंट, तो आपको गेन हुआ है, आपको डिस्काउंट मिला है तो कैपिटल में डिस्काउंट ऐड हो जाएगा, कैश आपने पे किया है तो कैश में से माइनस हो जाएगा और क्रेडिटर्स आपके कम हो जाएंगे। देन अगर आपने कैश पे किया है क्रेडिटर्स को विदाउट डिस्काउंट तो कैश माइनस हो जाएगा और क्रेडिटर्स माइनस हो जाएंगे। देन इनकम रिसीव हुई है आपको तो कैश ऐड हो जाएगा और कैपिटल में इनकम ऐड हो जाएगी। देन आउटस्टैंडिंग अगर आपकी इनकम है तो अदर एसेट में आउटस्टैंडिंग इनकम की हेडिंग में हम उसे शो कर देंगे और कैपिटल में आपकी इनकम ऐड हो जाएगी। देन आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, रिसीव्ड इन एडवांस है इसका मतलब आपकी लायबिलिटी हुई और रिसीव किया तो आपने कैश में हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम लायबिलिटीज में हम उसे शो करेंगे कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। देन एक्सपेंसेस आपने अगर पे किए तो कैश में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं आपके,
तो आपकी कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे एक्सपेंसेस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो अब आपकी लायबिलिटीज हैं, तो लायबिलिटी साइड पे आप उसे शुरू कर देंगे। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं अगर, तो कैश में से माइनस हो जाएगा, और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी एसेट होते हैं तो अदर एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप शो कर देंगे। देन लोन गिवन, लोन अगर आपने दिया है तो कैश में से माइनस हो जाएगा अमाउंट, और अदर एसेट्स में से लोन गिवन का जो अमाउंट है वो हम ऐड कर देंगे। देन लोन टेकन, आपने लोन लिया है तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो और लायबिलिटीज के अंडर हेडिंग में हम लोन टेकन शो कर देंगे और कैश को हम ऐड कर देंगे। देन इंटरेस्ट ऑन लोन है, रिसीव हुआ है आपको, रिसीव हुआ है तो वो इनकम हुई आपकी, तो कैश में हम उसे ऐड कर देंगे और कैपिटल में हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। देन अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है तो आपका एक्सपेंस है, तो कैश में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देते हो तो वो आपका एक्सपेंस है और कैपिटल के में वो ऐड होता है, जो भी ओनर है उसकी कैपिटल में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैपिटल में ऐड भी करेंगे जब हम एज अ ऑनर उसे जो रिसीव हुआ है उसको देखते हैं, का व्यू देखते हैं, और उसको हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब हम बिजनेस के व्यू पॉइंट से उसे देख रहे हैं कि उसका एक्सपेंस हुआ है। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो जो ऑनर है वो पे करेगा, तो आपका बिजनेस जो है उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम के तरीके से हुई, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें ऐड हो गई, और जो ऑनर है उसी की कैपिटल है, उसी में से वो इंटरेस्ट पे करता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में से माइनस हो जाती है। देन डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, डेप्रिशिएशन आपका एक्सपेंस है तो हमने डेप्रिशिएशन को कैपिटल में से माइनस कर दिया, और डेप्रिशिएशन की वजह से आपकी जो भी एसेट है वो रिड्यूस हो जाती है, तो अदर एसेट्स में से डेप्रिशिएशन को हम माइनस कर देंगे। देन एप्रिशिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर एसेट्स में इंक्रीज हुआ है वैल्यू में तो कैपिटल में हम उसे ऐड कर देंगे एप्रिशिएशन को, और अदर एसेट्स में भी हम उसे ऐड कर देंगे। देन नेक्स्ट है हमारा परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, परचेज आपने किया था उसे आपने रिटर्न कर दिया तो आपके क्रेडिटर्स क्या हो गए, कम हो गए, और स्टॉक भी आपका कम हो गया, तो वहाँ से हम परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे। देन सेल्स रिटर्न अगर हुई है या रिटर्न इनवर्ड आया है तो स्टॉक जो है आपका वो इंक्रीज हो जाएगा, सेल्स रिटर्न उसमें ऐड हो जाएगा और डेप्टर्स जो है वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे। देन नेक्स्ट इज बैड डेप्ट्स रिटर्न ऑफ, या प्रोविजन अगर आपने बनाया है डाउटफुल डेप्ट्स के लिए, तो डेप्टर्स में से माइनस हो जाएंगे बैड डेप्ट्स, आपका लॉस हुआ है एक तरीके से, और कैपिटल में से भी बैड डेप्ट्स माइनस हो जाएंगे। देन बैड डेप्ट्स रिकवर आपके हुए हैं तो कैश के अंडर हम उसे ऐड कर देंगे कि बैड डेप्ट रिसीव्ड, और कैपिटल में भी बैड डेप्ट रिसीव्ड को ऐड कर दिया जाएगा। देन अगर आपका लॉस ऑफ गुड्स हुआ है तो जो स्टॉक है उसमें से लॉस माइनस हो जाएगा, और कैपिटल में से भी जो आपका लॉस हुआ है वो माइनस हो जाएगा। देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये एक तरीके से एक्सपेंस हो गया आपका, तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा फ्री सैंपल्स, और स्टॉक भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे आप स्टॉक में से फ्री सैंपल्स को। तो अब ये सारी ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट देने के बाद जो हमारी इक्वेशन लास्ट में बचेगी उसी को हम फाइनल इक्वेशन कहते हैं। इसका इक्वेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। वही हमने फॉर्मेट बनाया सीरियल नंबर्स का, पर्टिकुलर्स का, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज का। पहला इक्वेशन है हमारा, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हमने कैश लिखा एसेट साइड में और उसके नीचे अमाउंट लिख दिया 150 का, और कैश लेके आया है एज अ कैपिटल लेके आया है, तो कैपिटल को हमने ऐड कर दिया कैपिटल में से 150। तो जो हमारी नई इक्वेशन है दोनों इक्वल हैं, 150 एसेट साइड है और कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड भी अमाउंट 150 है। देन नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है दैट इज सैलरी पेड, इसे हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।